परिषद बजरंग दल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ सिहोर नगर से किया गया। विश्व हिंदू परिषद की हीरक जयंती पर और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के संकल्प के पूर्ति पर सकल हिंदू समाज में चैतन्य और गर्व की अनुभूति भरने हेतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भंडारा जिला की ओर से रविवार 8 अक्टूबर से शनिवार दिनांक 14 अक्टूबर तक भंडारा जिले के सभी नगर प्रखंड गांव इन स्थानों से होकर छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य यात्रा पवनी नगर में समापन किया जाएगा। 8 अक्टूबर से छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ सिहोरा नगर से किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ पूजन माननीय अतिथियों के हाथों किया गया। सिहोरा नगर में यात्रा भ्रमण कर चांदपुर मार्ग से नाका डोंगरी होते हुए तुमसर नगर की ओर प्रस्थान हुई। प्रमुख वक्ता गोविंद शेंडे विहिप क्षेत्र मंत्री रहेंगे। 9 अक्टूबर को जागरण यात्रा मोहाड़ी प्रखंड भंडारा में देवेश मिश्रा प्रांत सह मंत्री वे भव्य जाहिर सभा रहेगी। 10 अक्टूबर को जागरण यात्रा और अड़ियाल प्रखंड में वक्ता नीरज दोनेरिया भव्य जाहिर सभा। 11 अक्टूबर को पालनदूर 12 को लाखनी प्रखंड और 13 को साकोली प्रखंड पहुंचेगी, जहां वक्ता सुजीत कुम्भारकर इनकी जाहिर सभा रहेगी। 14 अक्टूबर को लाखानदूर और पवनी में प्रमुख वक्ता रंगराजे उनकी जाहिर सभा रहेगी और वहीं यात्रा का समापन होगा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंजारा जिले के पदाधिकारी राकेश सेलुकर, जिला यात्रा प्रमुख प्रकाश पांडे, जिला यात्रा नियोजन रमन जी सिंगल, प्रदीप ढवाले, दीपक कुमरे, अरविंद पटले, डॉक्टर पटले, छत्रपति शिवाजी महाराज संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी व ग्रामवासी यात्रा में उपस्थित थे। भंडारा जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पूरे संपूर्ण जिले के सभी गाँव नगर खंड और ग्राम प्रखंड स्तरों के ऊपर में शिवाजी महाराज के निमित्त छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है और 22 जनवरी 2024 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही है। इस कारण हेतु तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस शुभ हेतु को सामने रखते हुए बजरंग दल समस्त हिंदू चेतनाओं में समस्त हिंदू धर्म में शौर्य का जागरण कराने और गर्व की अनुभूति कराने के लिए इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस यात्रा के जिला प्रमुख माननीय जिला मंत्री डॉक्टर राकेश जी सेलोकर हैं और जिला नियोजन का दायित्व तो मुझे प्राप्त हुआ है। यह यात्रा तुमसर प्रखंड से शुरू होकर के पवनी नगर में 14 तारीख को समाप्त होने वाली है। आगे का विवरण माननीय जिला मंत्री जी आपको। सलोकर जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद भंडारा, आज 8 अक्टूबर बजरंग दल स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने 39 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य जागर यात्रा संपूर्ण भंडारा विभाग आज आपण भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुमसर प्रखंडापासून ते पवनी प्रखंडापर्यंत आपण ही यात्रा समापन होणार आहे। 1 अक्टोंबर ते 14 अक्टोंबर आणि महाराष्ट्रातील शेवटची सभा शौर्य जागर यात्रेची पवनी नगरामध्ये होणार आहे आणि या यात्रेला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून क्षेत्रीय मंत्री गोविंदजी शेंडे आज सायंकाळी 7 वाजता तुमसर नगरामध्ये त्यांची मोठी जाहीर सभा आहे। आज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज इनकी शौर्य जागरण यात्रा प्रखंड में घूमते हुए आज सिहोरा पहुँची है और इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुत्व की बुलंद आवाज और सभी हिंदू संगठन को एकत्रित करना है और हम लोग इसी के साथ में नई नई शाखाओं का भी इस गांव के भ्रमण के द्वारा खोलने वाले हैं और जो भी चाहे इसमें जुड़ सकते हैं। और एक विनंती है, जहाँ भी ये शौर्य यात्रा निकले उनका स्वागत नगर द्वार वगैरह करके किया जाए। धन्यवाद। सिहोरा से BCN न्यूज़ के लिए रणधीर नेमा की रिपोर्ट।